नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगा एक्सपर्ट विश्वनाथ, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल और योगा विश्वनाथ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच दो महत्वपूर्ण योगासन को लेकर आए हैं, जिस योगासन को करके अपने बैक पेन, नी पेन, लेग पेन, शोल्डर पेन को दूर कर सकते हैं। तो पहला आसन हम करने जा रहे हैं अर्धचक्रासन और दूसरा आसन चक्रासन। तो पहला आसन आइए हम शुरू करते हैं अर्धचक्रासन। सबसे पहले अपने दोनों पैर के बीच की दूरी लगभग एक फीट रखना है, जितना आपके कंधे की चौड़ाई है उसी चौड़ाई के अनुसार अपने दोनों पैर के बीच की दूरी को रखना है। सामान्य सांस लेते हुए दोनों हाथ धीरे नीचे डंडे के पास, अब धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने हथेली को हमारे पास लाएंगे। सामान्य सांस लेना है, अब अपने घुटने, कमर एवं कंधे को ऊपर की ओर खींचते हुए सांस भरते हुए कंधे को नीचे को उठाएंगे। छाती को ऊपर की ओर उठाते हुए कमर को धीरे धीरे नीचे तक ले जाएंगे। श्वास सामान्य लेना है, लेग बिल्कुल सीधा, धीरे धीरे वापस धीरे नीचे। तो दोस्तों ये रहा आपका अर्धचक्रासन। इस चक्रासन को करने से हमारे शरीर की जो बैक पेन है वो बैक पेन दूर होता है, नी पेन दूर होता है, लेग पेन दूर होता है, हमारा थाई मजबूत बनता है, शोल्डर पेन दूर होता है, शोल्डर स्ट्रांग होता है। इस आसन को करते वक्त एक सावधानी ये रखना है कि यदि आपके बैक पेन है, नी पेन है, इस आसन को आप उस अवस्था में नहीं करें। दूसरा आसन हम आपको बताने जा रहे हैं चक्रासन। चक्रासन का वैसे वास्तविक नाम ऊर्ध्वधनुरासन है, लेकिन ऐसे बोल चाल की भाषा में हम उसे चक्रासन बोलते हैं। तो आज हम चक्रासन आपको पांच विधि से बताएंगे, पांच प्रकार से हम चक्रासन कैसे करते हैं, और वो सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए वो विधि बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि जिस व्यक्ति को बैक पेन नहीं है, लेग पेन नहीं है, वो व्यक्ति बिना सहारे से कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को बैक पेन है वो व्यक्ति कैसे करेंगे, जिसको लेग पेन है वो कैसे करेंगे, जिसको शोल्डर पेन है वो कैसे करेंगे। तो इन सभी व्यक्तियों के लिए हम पांच प्रकार के चक्रासन लेके आए हैं और उस चक्रासन को आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिना सहारे का चक्रासन। ऐसे मैट पर लेट जाएंगे, शरीर बिल्कुल ढीला, श्वास सामान्य लेना है, छोड़ना है। अपने दोनों पांव को अपने कमर के पास लाएंगे, दोनों पांव घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हथेली कंधे के पास जितना कंधे की चौड़ाई है उतना आपके पांव का भी चौड़ाई होना चाहिए। श्वास भरते हुए हथेली एवं पैर के सहारे अपने कमर एवं छाती को उठाएंगे, और इसलिए ये ध्यान रखना है कि आपका जो छाती है वो छाती हमेशा ऊपर की ओर उठना चाहिए, उसे आगे की ओर खींचना है। इस प्रकार से श्वास सामान्य लेना है, छोड़ना है, अपने चेस्ट को ऊपर की ओर उठाते हुए अपने दोनों घुटने को सीधा करने की कोशिश करेंगे। हाथ बिल्कुल सीधा, कमर बिल्कुल ऊपर की ओर खींचते हुए अपने चेस्ट को ऊपर की ओर उठाएंगे, गर्दन बिल्कुल सीधी, श्वास सामान्य लेना है। धीरे धीरे हो सके तो अपने पांव एवं पैर के बीच की दूरी को कम कर सकते हैं। सामान्य श्वास लेना है, हाथ की बिल्कुल सीधी, धीरे धीरे वापस, रहा आपका चक्रासन बिना सहारे का। अब जिस व्यक्ति को बैक पेन है, लेग पेन है, वो व्यक्ति कैसे करेंगे, तो दूसरा विधि इसका है
स्टूल एवं पिलो के सहारे हम चक्रासन को कैसे करते हैं, तो आइए हम दूसरा विधि को देखते हैं। इस तरह का आपके घर में एक स्टूल होगा, इस तरह का आप स्टूल लेंगे, इसके ऊपर एक पिलो लगाएंगे और दीवार के सहारे अपने दोनों पाँव को लगाते हुए, ऐसे दीवार के सहारे अपने दोनों पाँव को लगाते हुए स्टूल को एडजस्ट करते हुए, दोनों पाँव को लगाते हुए अपना कमर स्टूल पर रखना है और छाती पिलो पे लगाते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर ले जाना है। सांस सामान्य, कमर सीधी, घुटना सीधा, हथेली कोशिश करना है नीचे की ओर लाने की, चेस्ट ऊपर की ओर। अब इस स्थिति में अपने शरीर के सभी अंगों पर ध्यान देना है, धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। तो दोस्तों ये रहा आपका स्टूल एवं पिलो यानी तकिया के सहारे हम चक्रासन कैसे करते हैं वो आप देख रहे हैं। जिस व्यक्ति को ऐसे ज्यादा बैठकर है वो व्यक्ति स्टूल एवं पिलो के सहारे इस आसन को आसानी से कर सकते हैं। तीसरा विधि हमारा है चेयर के सहारे, चेयर के सहारे हम कैसे करते हैं तो वो भी आपको हम दिखाएंगे। चौथा विधि हम आपको दिखाते हैं पिलो के सहारे। इस व्यक्ति को ज्यादा पेन है, जो व्यक्ति स्टूल पे भी नहीं कर सकते हैं, स्टूल पे भी करने से उसको बैक पेन होता है, उस व्यक्ति के लिए हम पिलो के सहारे हम चक्रासन करते हैं। सबसे पहले आप इस प्रकार का एक ब्लैंकेट लेंगे, ब्लैंकेट को ऐसे खोलना है, और आप अगर इस प्रकार का चार पिलो हो, चार पिलो यहाँ लगाएंगे, चारों लोग क्या करना है ब्लैंकेट से इसे फोल्ड करना है, चारों लोगों को ब्लैंकेट से इसे फोल्ड करना है। कस के फोल्ड करना है चारों लोग आपस में ऐसे सटा हुआ। इस प्रकार से फोल्ड करते हुए चारों लोग आपस में फोल्ड करते हुए इसे लगाना है। ब्लैंकेट बिल्कुल टाइट करके ऐसे फोल्ड करना है हमको। ये हमारा चार को फोल्ड हो गया है। अब इस पे हम आपको चक्रासन करके दिखाते हैं। सेम स्थिति करना है जैसे आप स्टूल पे गए थे वैसा ही स्थिति इसमें भी करना है, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको स्टूल से ज्यादा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि इसमें जो हमारा पिलो है वो पिलो बिल्कुल नॉर्मल है, हमारे ऐसे बैक में ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। अपने दोनों पाँव को ऐसे दीवार से लगाएंगे और लेट जाएंगे और अपने घुटने एवं कमर को ऐसे सीधा करना है, हथेली बिल्कुल नीचे। अब इस स्थिति में अपने शरीर के सभी अंगों पर ध्यान देना है, धीरे धीरे वापस। तो अभी तक हम ऐसे तीन विधि से ऐसे चक्रासन किए हैं, तो इस स्थिति में आपने समय के अनुसार इस आसन में इस पोस्चर में आप रुक सकते हैं। आप धीरे धीरे जितना इस आसन का अभ्यास करेंगे उसका लाभ आपको उतना ही मिलेगा। तो ये आसन द्वारा ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा पेन है जो चक्रासन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति इस स्थिति में इस विधि के अनुसार चक्रासन को आसानी से कर सकते हैं और चक्रासन के सभी महत्वपूर्ण लाभ वो प्राप्त कर सकते हैं। चौथा आसन आपको हम बताने जा रहे हैं चक्रासन बॉक्स के सहारे। चक्रासन बॉक्स के सहारे चक्रासन करना बहुत ही लाभदायक है और उस बॉक्स के सहारे किसी भी प्रकार का आदमी, चाहे वो 40 से 50 साल का हो या 60 से 70 साल का हो, चाहे उसको जितना भी पेन हो, वो आसानी से वो चक्रासन बॉक्स के सहारे चक्रासन को कर सकते हैं।
अर्धचक्रासन बॉक्स दीवार से ऐसे एक ब्रिक्स लगाएंगे, बॉक्स को इस ब्रिक्स से लगाते हैं दीवार के सहारे से लगाएंगे। और क्रोध को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट नहीं है, ऐसे डायरेक्टली अंदर ही हमको पैक करना है, इसलिए हम क्रोध को ऐसे यूज करते हैं। और इसमें हम एक पिल्लो का भी यूज करेंगे, करना है इस चक्रासन बॉक्स में लेट जाना है इस प्रकार से, धीरे धीरे लेटना है, अपने पैर के घुटने जंघे एवं कमर को सीधा रखते हुए धीरे धीरे कंधे को नीचे ले जाना है। हाथे फ्री हथे के सहारे अपने सिर को लगाएंगे और अपने शरीर के सभी अंगों पर ध्यान देंगे कि इस स्थिति में हमारे शरीर के इस अंग में खिंचाव हो रहा है, तनाव हो रहा है, हमारी श्वास की गति कैसी है, इन सभी महत्वपूर्ण विषय पर ऐसे ध्यान देंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे नीचे को पिल्लो हटाते हुए, धीरे धीरे वापस पैर के सहारे अपने कमर को आगे की ओर ऐसे धकेलते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। आराम से ऐसे एक से डेढ़ मिनट ऐसे इसी स्थिति में ऐसे आराम करना है। धीरे धीरे वापस। तो दोस्तों ये रहा आपका चक्रासन का चार विधि। पांचवा विधि हम आपको बताने जा रहे हैं चेयर के सहारे, चेयर के सहारे हम कैसे करते हैं। तो सेम स्थिति करना है, पहले हम एक चेयर लेंगे, इस तरह का चेयर हो आपके घर में, चेयर को ओपन करना है, चेयर को लगाना है और इस पर क्या करना है, इस टाइप का एक पिलो लगाना है, पिलो को ऊपर एक क्लॉथ लगाना है। चेयर के ये जो पीछे वाले भाग है, इन दोनों पीछे वाले भाग से अपने पैर को पीछे खींचे जाएंगे इस प्रकार से। अब आपका जो पैर है वो पैर दीवार के पास होना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, चेयर को उठा के लेंगे और थोड़ा सा लेंगे, हमारा पैर दीवार के पास आ गया है। अभी जो पिलो और ये तकिया है और ये क्रोच है, इसको आप क्या करेंगे, अपने कमर के पास लाएंगे, इस तरह से लगाएंगे और धीरे धीरे जितना उसमें आगे जाएंगे, धीरे धीरे क्या करना है, अपने पैर को दीवार से लगाते हुए घुटने को सीधा करते हुए इस पिलो पे लेटना है और अपना जो दोनों हाथ है दोनों हाथ से नीचे ऐसे चेयर के ऐसे लेग को पकड़ना है और बिल्कुल कंधा को ढीला छोड़ते हुए नीचे की ओर लाना है, श्वास सामान्य लेना है, छोड़ना है, हाथ को बाहर से चलाएंगे, कंधे को बिल्कुल फ्री रखना है, श्वास सामान्य, अपने शरीर के सभी अंगों पर ध्यान देना है, हमारा श्वास की गति कैसा है, छाती में से क्या हो रहा है, कंधे में क्या हो रहा है, घुटने में क्या हो रहा है, कमर में क्या हो रहा है, इन सभी अंगों पर ध्यान देंगे। धीरे धीरे वापस धीरे धीरे वापस आएंगे। तो दोस्तों आपको हमने ऐसे चक्रासन को करने की पांच विधि बताए हैं और आपको ये पांचों विधि समझ में आया होगा, अपने घर में इन सभी टूल्स के सहारे चक्रासन को आसानी से कर सकते हैं। चक्रासन का महत्वपूर्ण लाभ ये है कि हमारा जो मेरुदंड है वो मेरुदंड लचीलापन होता है, मेरुदंड मजबूत होता है, हमारा कंधा मजबूत होता है, लेग एवं बैक पेन से संबंधित जितने भी रोग है वो रोग दूर होता है, हमारा चेस्ट ओपन होता है, छाती से संबंधित जो भी बीमारी है वो बीमारी दूर होती है, हमारी जो प्राण शक्ति है वो प्राण शक्ति का संचार हमारे शरीर में संपूर्ण रूप से होता है। इस आसन को करते वक्त यह सावधानी रखना है कि यदि आपको बैक पेन हो, लेग पेन हो, इस आसन को नहीं करना है,
दूसरी बात, बैक बेंडिंग के बाद आपको फॉरवर्ड बेंडिंग का एक्सरसाइज नहीं करना है, यानी कि जो आसन आप पीछे की ओर झुक के किए हैं उस आसन के बाद आप आगे की ओर झुकने वाले आसन को नहीं करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो भी आसन बताए गए हैं वो आपको समझ में आया होगा और इस आसन को आप आसानी से कर सकते हैं अपने घर में। तो हम लोग बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ऑल द बेस्ट। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।